आप नोट कर आपको चलिए सारे पेपर आप आए क्लास का सीआर क्लास में है सर ऑनलाइन वाला रिवाइज नहीं करवाते नहीं वापस ना था बहुत ज्यादा स्लो जा रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर भी आधा सर पर वो मेरे पास तो खुली नहीं रहा था स्लाइड देखी थी बहुत स्लो जा रहे हैं बस हल्का हल्का सा बता दो उसमें जो न्यूमेरिकल थे ना उनको मैंने सारी क्लासेस ले ली एक्सीडेंटेड गाड़ियां होगी वही आपके आना शुरू हो जाएगी। तो
फिर हमारे पास स्पेयर पार्ट्स की कमी नहीं होगी। हाँ, इससे इस तरह बेनिफिट में है कि लेट सपोज एक नई टेक्नोलॉजी आज इंट्रोड्यूस हुई यूरोप में, ठीक है, अब जब तक वो वहाँ पर पूरी सेचुरेट नहीं हो जाती, वहाँ की कम्युनिटी को वो सारे नए प्रोडक्ट्स मिल नहीं जाते, वो खरीद नहीं लेते, टेक्स टाइम लाइक 4 ईयर्स तक वो सारे खुद उससे मुस्तफीद हो जाते हैं या उनके पास आ जाती है वो टेक्नोलॉजी, उसके बाद वो दे आर थिंकिंग ऑफ कि आप इससे मजीद कैसे पैसे कमाएं, तो जो मैन्युफैक्चरिंग उसके बाद भी होगी वो फिर इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल की भी होगी, ठीक है। सो अगर हम भी उसी दिन तो हम स्कार्स रिसोर्सेज, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, रिसोर्स होगी नहीं और हम उसको मतलब वी विल हैव हैविंग डिजायर ऑफ गेटिंग दैट थिंग लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। और उसकी जो सिक्स साइजेस है इट इज अप्रोक्सीमेटली उसको स्क्वायर भी कर रहे हैं, बट अगेन ये एंटेना की कवरेज एरिया, व्हाट इज कवरेज एरिया जी, आप बताएं आप आपकी स्टूडेंट एक सवाल है सर, कवरेज एरिया उसकी टोटल बैंड को भी कहा जा सकता है? नहीं नहीं, कवरेज एरिया इज समथिंग बैंडविड्थ को आप चैनल का नाम दे सकते हैं कि इतना बैंडविड्थ है इसमें मैं कितने चैनल्स बना सकता हूँ, ठीक है, यानी आपके पास मोटर है और उसमें 6 लेंस हैं, 2 इस तरफ 3 इस तरफ 3 उस तरफ, तो सड़क मोटर तो वही रहेगी, लेंस आपने अगर मोटर में बढ़ाएंगे तो लेंस बढ़ेंगे इस तरह या फिर लेंस छोटे करेंगे वगैरह वगैरह जो भी जी। कवरेज एरिया, कवरेज एरिया का मतलब क्या है एनी वन? आपका कोई भी ट्रांसमीटर या कोई भी एंटेना जो है वो उसका जो सिग्नल है मिनिमम रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ, रिसीवर के लिए कौन सा लफ्ज यूज होता है? मिनिमम, मिनिमम रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ जिस जिस लोकेशन पे जा रहे हैं वो पूरा लोकेशन कवरेज एरिया है, ठीक है, ये आपने उनको रडार सिस्टम में बताया था। और नॉर्मली हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर लेट्स सपोज एक टावर लगा हुआ है और उसका सिग्नल जो है वो पूरे सेक्टर H11 को कवर कर रहा है तो उसका कवरेज एरिया क्या है? H11, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि साथ में G11 है मोटरवे उस तरह, कश्मीर हाईवे उस तरह, तो G11 में ये सिग्नल कवरेज न दें क्योंकि वहाँ का अपना कवरेज एरिया है, तो वो फिर इंटरफेरेंस वहाँ से कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। एनी हाउ ये हो गया माइक्रो सेल पिको सेल, ये मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया आपको, फिर भी पढ़ लेते हैं। सेलुलर सिस्टम इन अर्बन एरियाज नाउ मोस्टली यूज स्मॉलर सेल विद बेस स्टेशन क्लोज टू स्ट्रीट लेवल दैट आर ट्रांसमिटिंग एट मच लो पावर, ठीक है। अब अर्बन एरिया की डिजाइनिंग डिफरेंट होगी, रूरल एरिया की डिजाइनिंग डिफरेंट होगी, और अर्बन एरिया में राजा बाजार के लिए डिफरेंट होगी, ठीक है। मे बी सेंटारस में भी बहुत सारे लोग होते हैं एट वन टाइम, तो वहाँ पर आपको चैनल्स, नंबर ऑफ चैनल्स बढ़ाने पड़ेंगे, सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ, अगेन मैं फिर वही बात करूँगा कि अगर मैं इधर H11 सुल्तान आबादी में हूँ तो मेरी बैटरी टाइमिंग इज लाइक 1 आवर, और मैं सेंटारस पहुँच जाता हूँ तो वही बैटरी उसी चार्ज के साथ उसी यूजेज के साथ 2 आवर हो सकती है। व्हाट यू विल थिंक ऑफ कवरेज एरिया का होता है? नहीं, कवरेज एरिया इधर भी है, कवरेज उधर भी है, उधर आपके पास सिग्नल स्ट्रेंथ की चैनल स्ट्रेंथ ना सच में बहुत ज्यादा है, तो मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई कम्युनिकेशन करनी थी ना सर जी, आपका वो पकड़ा जाएगा, समझ रहे हैं ना सर जी, समझ रहे हैं, और सिग्नल स्ट्रेंथ वाली जो बात आती है कि जैसे सिग्नल वीक होता है तो उसको ज्यादा पावर लगा के उसको ट्रांसमिट करना पड़ता है BTS तक, वो करेगा सर यूजर सर, अगर एरिया में बेस स्टेशन पास होते तो डिजाइनर ने किया क्या होगा, डिजाइनर ने एट वन टाइम सेंटारस के अंदर टोटल नंबर ऑफ पीपल को काउंट किए होंगे, फिर उसने उस हिसाब से
छोटे छोटे सेल साइज भी कुछ सेल्स बनाए होंगे और बहुत सारे ट्रांसमीटर्स लगा रहे हैं। आप बहुत सारे ट्रांसमीटर्स क्यों लगा रहे हैं? इसकी मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि अगर लेट सपोज कोई फायर लग जाती है, हर बंदा फोन करना शुरू करेगा सेंटारस के, सारे लोग एट वन टाइम फोन करेंगे, तो होगा क्या, बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। उस बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, वो बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांसमीटर लगाएगा। अब छोटा ट्रांसमीटर क्या करेगा, लो पावर होगा, सामने लिखा हुआ है लो पावर। वो ट्रांसमीटर लो पावर है, मैं उसके ज्यादा करीब हूँ या वो छोटे छोटे हैं मैं उसके करीब हूँ, तो मेरी बैटरी भी लो पावर से ट्रांसमिट करेगी, तो लिहाजा बैटरी टाइम डबल नहीं, ठीक हो गया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि राजा बाजार के लिए डिजाइनिंग कुछ और है, इस्लामाबाद के सेक्टर के लिए डिजाइनिंग कुछ और होगी, और अगर आप कहीं अफगानिस्तान में वो जो पहाड़ तो के पहाड़ों में चले जाए तो वहाँ पर शायद बनते कम, या बलूचिस्तान में चले जाए तो वहाँ पर डिजाइनिंग आपकी डिफरेंट होगी। अलग दी स्मॉलर सेल्स आर कॉल्ड माइक्रो एंड पिको सेल्स डिप्लाइंग डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, ज्योग्राफिकल साइज। यहाँ पर this evolution to smaller cell occur for two reason, because you need high capacity. What is capacity? चलो बताओ। What is capacity? What is capacity of system? सर वो कितना किस किस को नहीं पता, ये तो सारे हैं ना, इसके अलावा कैपेसिटी, हाँ चलो बताओ फिर जिनको। सर कितने यूजर्स को मिनिमम क्वालिटी के साथ सर्विस प्रोवाइड करना? जाहिर बात है मैं वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। अगर BTS की बात करें तो उसकी कैपेसिटी होगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर या मोबाइल फोन से सर्वर कम्युनिकेट। सर ये कि कितने यूजर्स को मिनिमम क्वालिटी और चीज की बात करें वैसे। सर फॉर एग्जांपल जो मोबाइल कम्युनिकेशन है उसका वाहिद पर्पस क्या है, लोगों को आपस में लिंक कराना, कम्युनिकेट कराना। कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम मींस कि वो कितने यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एक मोटरबाइक की कैपेसिटी क्या है कि उसमें कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है, इस तरह। तो आपकी सिस्टम की कैपेसिटी यहाँ पर क्या मतलब है, हायर कैपेसिटी मींस कि आप कितने ज़्यादा लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। विद हाई यूजर डेंसिटी द रिड्यूस साइज एंड कॉस्ट ऑफ बेस स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये भी देख लीजिए कि कॉस्ट कहाँ से किस तरह कम ज़्यादा हो रही है। सो हाउ कैन यू रिड्यूस द कॉस्ट एंड हाउ मजबूरी है सेंटारस में कॉस्ट बढ़ी हुई, ठीक है, लेकिन जारी बात है फिर उसी हिसाब से रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होगी, ज़्यादा लोग कॉल करेंगे और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगी। जी ये आपको ये वाला डायग्राम पहले बताया था कि अगर आप पूरी डिप्लॉयमेंट थ्रूआउट पाकिस्तान देखेंगे तो आप कहीं की भी है वो टेलीफोनी भी है वो MTSO और ये दोनों आपस में हाई स्पीड हाई लिंक हाई कैपेसिटी लिंक के साथ जो है कनेक्टेड होंगे। एंड सिमिलरली यू हैव इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, ये तीनों एक भी हो सकते हैं। और अब तो एक तरह से एक ही स्ट्रक्चर आ गया कि अगर पहले ही मेरा सारा कंप्यूटर नेटवर्क्स का डोमेन था ISPRs, ठीक है, यानी जेस वाले मोबाइल वाले ISPR वाला काम नहीं कर रहे थे, वो उसके लिए अलग अलग कंपनियां होती हैं, ठीक है। लेकिन अब चूंकि अब आपका फोन कंप्यूटर खत्म हो गया, अब ये कंप्यूटर भी है मोबाइल फोन भी है टेलीफोन भी है, ठीक है, ये अब तीनों है। तो लिहाजा यू कैन थिंक अप कि जब तक पाकिस्तान के वो जो ऑब्सोलीट एनालॉग सिस्टम के टेलीफोन लगे हुए हैं तो तब तक तो ये स्ट्रक्चर वैलिड है, ठीक है। एंड यू नीड टू फाइंड आउट कि इसने इस
किसके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, किस प्रोटोकॉल से बात करनी है और किसके इसके साथ, या शायद ये दोनों भी आपस में लिंक होंगे क्योंकि BTCL भी आपको डेटा सर्विसेज दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी है ये आपके जो BTCL की जो राउटर वाला जो है अमेरिकन में लगा हुआ है। आई एम स्टिल ऑन BTCL लेकिन अगर आप उस पर चले जाते हैं NATL पे, सो NATL इज नॉट यूजिंग BTCL ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल लाइंस, वो फिर अपना फाइबर ऑप्टिक पे। तो ये चीज़ें स्टडी करना कि कहाँ पे वायरलेस, कहाँ पे फाइबर ऑप्टिक, कहाँ पे आपके पास कौन सा लाइन लगा हुआ है कोएक्सियल केबल या कोई भी, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिफरेंट एप्लीकेशन। यहाँ पर क्या बात हो रही है, बेस स्टेशन इन नेटवर्क जियोग्राफिकल एरिया आर कनेक्टेड विया हाई स्पीड लिंक टू अ मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस एज शोन इन द फिगर। द MDSO एक्ट्स एज अ सेंट्रल कंट्रोलर फॉर द नेटवर्क एलोकेटिंग चैनल्स विद इन ईच सेल कोऑर्डिनेटिंग हैंड ऑफ। हैंड ऑफ क्या है, एनी वन जिसको आइडिया हो, हैंड ऑफ। Very important concept. Sir, hand off sir, pressure sir, बाल बन। Sir, proto. अगर अगर एक यूजर जो है यहाँ पर है, ठीक है, और आईडी की बात कर रहा हूँ, if a user is here, ठीक है, and he is using channel C1, ठीक है, और वो जो है ना यहाँ पर आ जाए तब क्या होगा सर, उसकी वो जो मैक्सिमम पावर रिसीव हो रही है उसको सर अडॉप्ट कर लेंगे, उसको यहाँ से सर्विसेज देना होगी, ठीक है। अब यहाँ से सर्विसेज देने के लिए ये क्या करेगा, ये इसको अपने यूजर को रिलीज करेगा और ये अपने यूजर को, इसी यूजर को क्या कर देगा, दिस इज कॉल्ड हैंडऑफ। अब ये ट्रस्ट बोथ होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी 120 की रफ्तार से जा रही है 120 किलोमीटर पर आवर मोटरबाइक के ऊपर, और उस वक्त जो है आप कॉल कर रहे हो किसी को शाफरी की जानकार, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, तो लिहाजा आगे क्या करना है सब। सो स्मूथली इनको पता भी नहीं चले और आपका जो ये वाला चैनल है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला चैनल कनेक्ट हो जाएगा, कॉल वही रहेगी। इसके लिए ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जो आपको बताया था कि कंट्रोल सिग्नल से ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, जैसे ही ये इसके रेंज से आउट हो जाएगा ये सबको बताएगा, सबको बताएगा कि मेरा यूजर गायब हो गया, तो कहाँ पे अपीयर हो गया, तो ये बताएगा कि मेरे पास अपीयर हो गया। सो विद इन दैट, क्योंकि वो टाइम निकालने के लिए सबको बताएगा। एक यूजर है यहाँ पर लोकेटेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, जैसी इसकी रेंज से आउट होने जा रहा है, ठीक है, फिर रिस्पॉन्स नहीं आएगी, कॉल डिस्कनेक्ट होती जा और होनी जा रही होगी, ठीक है, क्योंकि जारी बात है जब ये डिस्कनेक्ट होगा तो ये चैनल, तो अब ये क्या करेगा कंट्रोलर, क्या करेगा इन सबको फॉरन एक मैसेज कर देगा कि मेरा ये वाला यूजर गायब हो रहा है, और ये वाला फॉरन रिस्पॉन्स इसकी रिस्पॉन्स में बता देगा कि मेरे पास आया, और ये भी बाकी इंफॉर्मेशन दे देगा कि इस बंदे के साथ कॉल कर रहा है, कॉल पे है तो लिहाजा कनेक्ट कर दो। सो एक चैनल से वो फॉरन, हो सकता है घर में थोड़ी देर के लिए वो आ जाए कोरोना लेडी या कुछ भी, मतलब वो एक वो आ जाता है ना बालों का हेल टाइप एक मैसेज आ जाता है या बड़े भाई से मेरे बालों, हाँ नहीं ऐसा मैसेज नहीं आता आपकी कॉल ट्रांसफर की जा रही है, इतने ऑनेस्ट लोग नहीं है, कुछ भी नहीं होता, न्यूर फील मुझे कभी फील नहीं हुआ इतनी, ठीक है। अब अगेन अगर हम सेल साइज बहुत स्मॉल करेंगे तो मैं यू जाऊंगा और वापस आऊंगा तो शेकी शेकी समझ आई, मैं अगले सेल में जाऊंगा और इस सेल में आऊंगा और कॉल पे बात करूंगा और उनको शीट करूंगा।
सेल साइज को बहुत छोटा करने का एक नुकसान ये होगा, ठीक है, लेकिन उसकी फिर मेथड उसकी भी तरीके है, उसकी तरीके ये है कि ये वाला जो बाउंड्री है ना इसको हम वर्चुअल बना सकते हैं। अदर वर्ड इसकी रेंज जब तक है, ठीक है, तब तक यही सर्विस प्रोवाइड करेगा और इसको तब मिलेगा जब अब आप जो बात कर रहे थे कि द कवरेज या द पावर द सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ दिस इज सो मेनी टाइम्स मोर देन द सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ दिस, तो वो जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो तब ये इसको हैंड ओवर कर देंगे, हैंड ऑफ कर देंगे, दिस इज कॉल्ड हैंड ऑफ, ठीक है। इसके दो टाइप्स है, सॉफ्ट और हार्ड, वो जब हम डिटेल में आएगा तो तब पढ़ेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है बिटवीन सेल्स व्हेन अ मोबाइल ट्रैवर्सेस अ सेल बाउंड्री एंड रूटिंग कॉल्स टू एंड फ्रॉम मोबाइल यूजर। नॉर्मली ये इशू जो है हैंड ऑफ का डिवरिंग रनिंग कॉल, अगर आप कॉल पे नहीं है तो फिर तो आपका फोन जो है वो तो वैसे क्या कर रहा होता है, वीकेंड सिग्नल, हाँ तो वो वीकेंड सिग्नल तो हर वक्त नहीं होता, उसमें दरमियान में इतना पास होता है कि आराम से ये स्विच हो जाता है। सर जी आपका स्टूडेंट पागल हो गया, सर जी कह रहे लेफ्ट को नीचे भेजो, सर जी मैं बोले का कंडक्टर सर के स्टूडेंट सर का हां नहीं कोई स्टूडेंट आप कह रहे हैं उस्मान फटाक। अच्छा, the MDSO can route voice calls to the public switch telephone network and provide internet access. ये हो गया handshake. A new user located in the US that requests a channel by sending a call request to the cell's base station and a separate control channel. ठीक है? Beacon signal की जो अभी मैं बात कर रहा था, मेरा फोन हर वक्त टावर के साथ हैंडशेक मैकेनिज्म में रहता है, लाइक आफ्टर एवरी मिनट या मे बी आफ्टर एवरी 10 मिनट्स और मे बी आफ्टर एवरी 10 सेकंड, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली रियलिस्टिकली यही जो मैंने टाइम बताया इसी दरमियान में होगा, इट डिपेंड्स कि आपका चैनल कितना बिजी है या इन्होंने मेरी पावर को कितना कंजर्व करना है, बैटरी पावर भी लगेगी। हैंडशेक क्या है कि ये मुझे हर वक्त ट्रेस करता रहता है, ट्रैकिंग या ट्रेसिंग, ठीक है, उसके लिए एक सिग्नल यहाँ से जाएगा टावर पे, टावर को बताया जाएगा कि ये वाला नंबर अभी इस जगह पे मौजूद है और टावर ये आपस में एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं, तो एक से हेलो ज्यादा मन से आए उसके बाद पास, ठीक है। The request is relayed to the MTSO which accepts the call request if a channel is available and that's it. अब अगर आप कॉल के लिए हैंडशेक कर रहे हो तो जैसे ही आप डायलर दबाते हो तो उसके लिए फिर ये कॉल ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट आपको थोड़ा बताया था इसी जमाने में, व्हाट इज कॉल ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी। सर जब हम सर कॉल करते हैं किसी को वो उसको नाम नहीं लेके हो जाता है सर जी, सर हमने सर और 10 में से 9 कॉल
सक्सेसफुल हो गई लेकिन एक को ब्लॉक किया गया तो पहले ब्लॉक प्रोबेबिलिटी इज 0.1 सिंपल 1 आउट ऑफ 10 दोबारा बताओ कॉल ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी ये है कि आपके कितने अटेम्प्ट्स लेट्स सपोज आपने 10 अटेम्प्ट किए एक को फोन मिला उनको इस तरह 10 और उन 10 में से एक दफा चैनल अवेलेबल ना होने की वजह से मेरी रिक्वेस्ट को क्या किया कॉल रिक्वेस्ट को क्या किया उसको मतलब रिजेक्ट किया गया ब्लॉक किया गया सो दैट इज 1 आउट ऑफ 10 सो 0.1 इज द कॉल ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी अब कॉल ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी को इतना कम रखते हैं कि अक्सर कॉल ब्लॉक नहीं होती लेकिन कॉल वेटिंग प्रोबेबिलिटी को भी डिटरमिन करते हैं तो कॉल वेटिंग प्रोबेबिलिटी ये है कि कोरोना लेडी को लगा देंगे कुछ थोड़ी देर वक्फा करेंगे कि कोई दूसरी जगह किसी और ने कॉल ड्रॉप कर दिया कॉल सेटअप हो गया और सेटअप मिल रही होती है और पैकेज का बता रहे सर कॉल से पूरे पाकिस्तान की तरफ से मैसेज हां पाकिस्तान का जो मैसेज है ना ये हार्मनी कॉल वेटिंग का ये सेटअप है ठीक है तो ये चीजें जो है ये इसमें थोड़ा डिटेल में बात करनी पड़ेगी हैंड अप इज इनिशिएटेड सर जो कॉल वेटिंग है सर उसमें मुझे समझ नहीं बात आई क्या वो टाइम है जिस दौरान सर बैल जहाँ हम कॉल मिला सर किसी 2-2 हो रही है हमारे पास वो कॉल उठा नहीं रहा वो कॉल वेटिंग है या फिर जिस टाइम कॉल सेंटर से कॉल मिलाते हैं और पहले वो अपना इंतजार करते हैं कि आप 2 मिनट वेट करें आप नहीं मैं बताओ जिस तरह व्हाट्सएप पे कॉल करते हो ना तो पहले कॉलिंग करती फिर रिंगिंग जाती है तो जो कॉलिंग और रिंगिंग के बीच का जो स्पेस होता है ना ये वो नहीं 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 पहले जब आप कॉल मिलाते हो ना तो जाहिर बात है वो किस फेस से गुजरता है ये चीज आप नोट ज़हन में शीट कर लो फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद में हो ठीक है आईएसपी और यहां से आपकी कॉल जो है वो कराची तक जा रही है अब ये तो आपका एंड यूजर है यहां पर तो आपका एंड यूजर लगा हुआ है अब जब एंड यूजर जीती है जो आपके बात की बीबी हुआ आएगा तो वो तो फिर कॉल तो यहाँ तक पहुँच गई वेटिंग टाइम तो हुआ नहीं वेटिंग टाइम बेसिकली ये जो दरमियान वाली जगह है यहाँ पर बहुत सारे और लोग कॉल कर रहे हैं कराची को ठीक है सो चैनल कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पर आपको कहीं पे ब्लॉक किया जाएगा कि ये वाला चैनल अभी फ्री नहीं है नो कैपेसिटी ऑफ दिस ट्रांसमिशन लाइन ठीक है या इट्स फुली ऑक्यूपाइड तो लिहाजा आप वेट करो आप उस वेटिंग के लिए यहाँ पर आपका जो बेस स्टेशन है वो फौरन जो है ना कोरोना वैली को लगा देगा या कोई और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मैसेज लगा देगा yes, तो ऑब्वियसली वो अब इस चक्कर में है कि कैसे ही कोई अपनी कॉल ड्रॉप करे कोई एक जब ड्रॉप कर लेगा तो कोरोना वैली को ये वहाँ पे ब्लॉक कर देंगे और आपकी कॉल को फॉरवर्ड कर देंगे अब ये कितनी दफा होता है सो फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद से आपकी कॉल जो है अपने सेक्टर से जाती है इस्लामाबाद के गेटवे में और इस्लामाबाद से फिर कहीं लाहौर के गेटवे में लाहौर से मुल्तान मुल्तान से तो ये बहुत सारे रूट से ये जो आपका कॉल है ना ये कहीं पर भी ब्लॉकिंग हो सकती है यहाँ पर किसी भी लोकेशन में और आपको कुछ भी आइडिया नहीं होगा किधर गया ये जो कह रहा है ना कि व्हाट्सएप कॉलिंग और रिंगिंग उससे कैसे पता चला कि ये क्या हो रहा है नो आइडिया वो वैसे एक ये डिटरमिन कर रहा होता है कि अगला जो एंड यूज़र है उसके पास डेटा नेटवर्क है कि नहीं अगर वो डेटा नेटवर्क उसके पास नहीं है तो तब तक वो कॉलिंग है और जब उसको पता चल जाएगा कंफर्म हो जाएगा कि यूज़र जो है वो डेटा कनेक्टेड है तो वो उसको फिर क्या कर देगा रिंगिंग कर देगा मतलब तो ये सारी वाली कहानियाँ जो है ना ये उसमें नहीं है बेसिकली वो सिर्फ एंड यूजर की डिसीजन है और यहाँ पे भी एंड यूजर की डिसीजन लेंगे अगर ये बिजी है तो ये फिर वापस आएगा और आपको बताएगा कि द यूजर इज बिजी लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी नेटवर्क के एंड पे बदनीति ये होती है कि समटाइम्स यू आर ब्लॉक हियर और आपको गलत मैसेज दिया जाता है कि द यूजर इज बिजी तो इसलिए अक्सर आप लोगों से लोग गिले शिकवे करेंगे कि आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो या आप बहुत बिजी रहते हो लेकिन एक्चुअल में ये नेटवर्क ने थोड़ा सा चीट किया होगा
अक्सर आपको किसी ने अटेम्प्ट की होगी, आपको बिल्कुल भी नेटवर्क ने नोटिफाई न किया होगा और अगले को बताया होगा कि यूजर या आउट ऑफ स्टोरेज है या जो भी है। सो ये भी होता है। अच्छा जी, हैंड अप, कॉल हैंड अप, दोबारा पढ़ें। आपका नाम क्या है? सुन ने हमारा प्रोग्राम जो जिसको ना पता हो कि व्हाट इज एफडीएम है,
जिसको न पता हो कि व्हाट इज टीटीएम है टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ पता था ना कौन सा क्योंकि इसके दिमाग अच्छा जी सबसे ज्यादा क्या यूज होता है सीडीएम मल्टीपल एक्सिस ठीक है मल्टीपल एक्सिस किस चीज की आप बताएं समझ गए किस चीज को हम एक्सेस कर रहे हैं वी आर एक्सेसिंग व्हाट अब किस चीज को मल्टीपल मल्टीपल यूजर्स किस चीज को एक्सेस कर रहे हैं कब्जा ले रहे हैं किस चैनल का चैनल को कंप्यूटर में इसको आपने जो कंप्यूटर नेटवर्क में एफ दिस इज कॉल्ड द बस ठीक है सो और बहुत सारे कंप्यूटर्स इसके साथ कनेक्टेड है ए बी सी स्टार्ट टोपोलॉजी है so what they are looking for they are looking to get the control of the bus hum kya kar rahe hain bus ke bajaye control channel ka if we are accessing what the channel aur us channel ko hum kis tarah access kar sakte hain tvm mein hai so hum mukhtalif time mein yani time pehle minute mein ye isko use karega dusre minute mein ye use karega tisre minute mein That's multiple accessing of the bus. In our case, it's the channel. Okay, channel is then again pure bandwidth ka ek sub bandwidth. ठीक हो गया? So core division multiple access में हर user के access के वक्त उसके साथ एक code लगाया जाता है. यानी user A के साथ ये code लगाया गया 001. User B का code है 002. यूजर सी का कोड है 003 अब ये कहता है कि हाय ये कहता है हेलो और ये कहता है अस्सलाम वालेकुम ठीक है तो क्या होगा इसके साथ हाय के साथ 001 लगाएंगे उसके साथ हेलो के साथ 002 लगाएगा और इसके साथ जो है इसका ऑप्शन लगेगा और उसके बाद ये जब पैकेट बन जाएगा ये तीनों एक पैकेट बन जाएगा तो उसके बाद इसके साथ अपना हेडर या बाकी कंट्रोल इंफॉर्मेशन किस आईपी को जाएगा वो अलग होंगे हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि मैसेज को हम चैनल के ऊपर कोड करके इंस्टेड ऑफ हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज फॉर ईच यूजर और इंस्टेड ऑफ हैविंग डिफरेंट टाइम स्लॉट्स फॉर ईच यूजर CDMA uses different codes for it. Yeah. ठीक है तो इसके जो मुख्तलिफ टाइप्स है इसको ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपने डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा बट OFDMA ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है और नॉन ऑर्थोगोनल भी कॉन्सेप्ट है ऑर्थोगोनल मीन्स कि दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर सो ये हमारे कोर्स में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट सब पढ़ा इसको एक क्लास तो सीडीओ में बोला ये तो खत्म करें ना मैं कितनी तकरीर के बारे में कर रहा हूं सर ये घर से जस्ट रीड इट सर हमने वोटिंग कर दी क्योंकि जब अगर आप लोगों ने नहीं प्रश्न तो मैं भी आके कंट्रोल लगाऊंगा कब से पर सर आपने कोडिंग कर दी होगी या बस बस पता नहीं कौन सा देखिए ये है प्रोटोकॉल नहीं आपने करनी हो जाहिर बात है आप किस स्टेज पे आप डिपेंड कर रहे हैं कि आप क्या जॉब कर रहे हो अगर आप उधर डिजाइन इंजीनियर हो तो आपका अलग काम है अगर आप ऑपरेशन में हो तो आपका अलग काम है अगर आप टेक्नीशियन हो तो फिर आप कुछ भी नहीं पता होगा सब्जेक्ट पे बात करेंगे कॉन्सेप्ट टोटली डेटाकॉम का है बट थोड़ा सा चेंज इस तरह है कि आप मोबाइल कम्युनिकेशन में इसका अपना एक लेयर लग गया एक तरह से असल में आपकी चीज़ें जो है मैच्योर हो गया ना अब पाकिस्तान में कोई जो है टावर बेस स्टेशन का कोई भी डिजाइनिंग मुझे नहीं लग सकती ठीक है यहाँ पर क्या प्रैक्टिस है प्रैक्टिस इज कि आपको कंपनी वाले जिस जो भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो बल्कि
मैम जो आपको पढ़ाती है उनसे पूछ लें, वो इफ शी इज इन टेक्निकल डिपार्टमेंट, अगर वो रिसेप्शनिस्ट या टाइप इस तरह के वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में फिर आती है, आई डोंट नो। तो अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट का एक इंजीनियर है वो क्या करते हैं, उसको एक लैपटॉप दिया जाता है, उस लैपटॉप में पूरा डेटाबेस बना हुआ होता है, ठीक है, उसको सिर्फ जो 20-30 हज़ार रुपये में अप्लाई करते हैं ना, उसको कहते हैं आपने फ्लैट टावर भी जाना है सेंटारस के टॉप पे, वो पहुंच जाएगा, लैपटॉप को प्लग इन प्ले कर देगा और उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है विजर्ड यूज़र इंटरफेस क्लिक 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 करके पीछे बैकग्राउंड पे ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब अगर आपको ये पता है तो शायद कम से कम वो यूज़ करते हुए आपको आइडिया होगा, लेकिन वो अक्सर ये करते हैं क्योंकि नॉन इंजीनियर को भी रख लेते हैं और उसको भी पता है, उसको सिखा देते हैं कि बस आपने जाके विजर्ड चलाना है, ठीक है, अब वो विजर्ड चलाने में फिर आपको टेक्निकलिटी की शायद ज़रूरत ही नहीं है। सो द मोर द कॉन्सेप्ट यू हैव, शायद एक स्टेज पे फिर आप डिफरेंट तरीके से सोचेंगे, यानी जो वो जो नॉन टेक्निकल बंदा कर रहा है ना उसको तो ज़रूरत ही नहीं है, बट आपका तो काम है ना बीइंग इंजीनियर, यू हैव टू डिजाइन एट सर्टेन स्टेज, लेकिन अगले स्टेज पे ना करें लेकिन नेक्स्ट स्टेज ये जो आज पढ़ाया ना ये मैंने स्किप किया था ऑनलाइन लेक्चर में, और ऑनलाइन लेक्चर में यही चीजें बताई थी, लिहाजा रिपीट नहीं हुआ। Yes, first.